तो एनडीए ने सरकार गठन की ओर अपने कदम बढ़ा दिए हैं। 9 जून को नरेंद्र मोदी तीसरी बार पीएम पद की शपथ ले सकते हैं। हालांकि संख्या बल के आधार पर इस बार बीजेपी को बहुमत नहीं मिला है। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार दो ऐसे नेता हैं जिनका 3.0 मोदी सरकार के गठन में अहम किरदार होगा। दोनों ही नेताओं पर पूरे देश की नजर है। इंडिया गठबंधन की ओर से भी दोनों नेताओं से संपर्क साधने का प्रयास किया जा रहा है और ऐसी सूचना मिल रही है सूत्रों के मुताबिक कि नीतीश कुमार से संपर्क साधा गया है। इंडिया गठबंधन के नेताओं का दावा है, उनका कहना है कि उनके पास होने को कुछ नहीं है। ऐसे में वे अपनी सरकार अगर बनाना चाहेंगे तो किसी भी हद तक जाने को तैयार है, कोई भी दाव खेल सकते हैं। तो पावर बार्गेनिंग का गेम शुरू हो चुका है। देश की नई सियासत की तस्वीर क्या होगी, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। और आज हमारी डिबेट में कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी से ओपी यादव जी हैं, भवानी शंकर माली जी कांग्रेस से हैं और राधेश्याम उपाध्याय आम आदमी पार्टी से हैं। आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले ओपी यादव जी, आपसे जानना चाहूँगा, काफ़ी चुनौती भरा सफ़र होगा, एनडीए की नई सरकार का गठन होने जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं पावर पॉलिटिक्स का जो खेल देखने को मिलेगा और अभी से ही उसकी कवायद शुरू हो चुकी है। महत्वपूर्ण मंत्रालयों पर दोनों ही नेताओं की नज़र है और दोनों नेताओं के बड़े नेताओं के साथ ही और अन्य भी जो घटक दल है वे भी मंत्री पद की मांग कर रहे हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो 4 सांसदों पर एक मंत्री पद की मांग की जा रही है। किस तरह पीएम मोदी, जो कि अपनी एक हनक के साथ 10 साल उन्होंने 2 बार सरकार चलाई है, किस तरह वो टॉलरेट करेंगे इस गठबंधन की सरकार को? यादव साहब बताइए। विजय जी, आपके चैनल के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार और पूरे देश की जनता ने जो भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दलों को जो मैंडेट दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जिस प्रकार से आपने प्रश्न किया कि पॉलिटिक्स में आप सरकार बनाएंगे, किसको कितना मंत्री पद मिलेगा, क्या फॉर्मूला तय हुआ है, ये तो शीर्ष नेतृत्व के पास है। हम तो मात्र एक कयास लगा करके यहाँ पे चर्चा करते हैं, लेकिन ये निश्चित रूप से तय है कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 वर्ष में जिस प्रकार से इस देश को मजबूत किया है, आर्थिक मोर्चे पे या इंफ्रास्ट्रक्चर के स्तर पे या विदेश नीति के स्तर पे या हमारी अर्धसैनिक बल और सैनिक बलों को मजबूती देने के लिए जो काम किए हैं वो निरंतर होते जाएंगे। आने वाले 5 वर्षों में भी खड़े खड़े और फैसले लिए जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में जो कहा है वो अक्सर उसका पालन करते हुए आगे बढ़ेगी और ऐसा विश्वास है कि जनता भी उसमें मोदी जी का साथ देगी और हमारे जो सहयोगी दल है उनका भी उसमें सहयोग मिलता रहेगा। किसी प्रकार के कोई दबाव में राजनीति करने की भारतीय जनता पार्टी की ना तो पहले आदत रही है। आपको पता होगा अटल बिहारी वाजपेयी जी ने केवल एक वोट का काम करने के खातिर अपने सिद्धांतों को सर्वोपरि रखा और अपनी सरकार को बलि देने का उनका जरूरी समझा, क्योंकि वो वोट की राजनीति नहीं करते, देश को कमजोर करने की राजनीति उन्होंने कभी नहीं की। यदि किसी दल के द्वारा यह दावा किया जाता है कि हमारे संपर्क में वो है, हमारे संपर्क में वो है, ये सब देश को कमजोर करने की और अपनी जो एक स्वेच्छा है, जो यादव साहब यादव साहब लोकतांत्रिक मूल्यों की बात, लोकतांत्रिक मूल्यों की बात तो यादव साहब लोकतांत्रिक मूल्यों की बात तो तमाम जो सरकारें रही देश में वो करती रही हैं, वो दावा करती रही हैं, लेकिन गठबंधन को लेकर जब गठबंधन की बात आई तब पावर बार्गेनिंग का खेल तो तब भी हमेशा चला है और आज भी स्थिति ऐसी है। ऐसे पड़ाव पर आकर बीजेपी खड़ी है एनडीए गठबंधन में, जहां की जो सहयोगी दलों की सुननी पड़ रही है, सहयोगी दलों को महत्वपूर्ण मंत्रालय किस तरह देंगे, क्योंकि इस तरह की बातें सामने आई है कि जो टीडीपी तो लोकसभा स्पीकर का भी जो पद मांग रही है अपने टीडीपी सांसदों के लिए, उसके अलावा जो महत्वपूर्ण मंत्रालय है
सीसीएस का जानते होंगे आप, सीसीएस एक कमेटी होती है जिसके सदस्य होते हैं, खासतौर से रक्षा विभाग आता है उसमें, उसमें गृह विभाग आता है, वित्त विभाग आता है और विदेश मंत्रालय आता है। ये चार मंत्रालय, इन चारों मंत्रालयों को बीजेपी जो सूचना मिल रही है कि नहीं देना चाह रही है, नरेंद्र मोदी ने इनकार कर दिया है। चारों मंत्रालयों पर रसाकसी का दौर शुरू हो चुका है। इसके अलावा गृह मंत्रालय है उसको भी पीएम मोदी नहीं देना चाहते। एकदम दुरुस्त है आपकी सूचना, एकदम दुरुस्त है। भारतीय जनता पार्टी ने झुकने का कहीं किसी, यदि देश के हित में यदि कोई झुकना पड़ा तो झुकेगी, यदि स्वार्थ के सर्वोपरि होकर के किसी दल ने इस तरह की मांग की तो कतई नहीं झुकेगी। ये भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड है। अच्छा, फिर जो दूसरा, जो इंडिया गठबंधन कह रहा है कि हमारे पास खोने को कुछ नहीं है, जरूरत पड़ी तो प्रधानमंत्री, क्या प्रधानमंत्री बना देंगे नीतीश कुमार को, ऐसे में नीतीश कुमार का जो, आप देख लीजिए जो राजनीतिक करियर जिस तरह चला है, उन्होंने 8 बार मुख्यमंत्री रहे और लगातार उन्होंने पलटा पलटी खूब की है, तो एक बार फिर पलट पलट जाएंगे वो। इंडिया गठबंधन का के जो संयोजक तो वही रहे थे, वो तो किसी ने, विजय जी कांग्रेस की ये चाल चरित्र और चेहरा रहा है जब से देश आजाद हुआ, जब से इन्होंने किया क्या है, यही तो किया है। चरण सिंह जी के साथ में क्या किया हमें याद नहीं है, चौधरी चरण सिंह जी के साथ में आपके वो जो एक बने थे हमारे कुछ समय के लिए जो प्रधानमंत्री बने थे, वहां के बिहार के थे या कहाँ के थे वो उनके साथ में, फिर अभी अभी इन्होंने 10 साल तक राज चलाया। चौधरी चरण सिंह जी उत्तर प्रदेश के थे 2004 से 2014 के बीच में, हमारा देखा हुआ नहीं है क्या? गठबंधन की सरकारें देश का भला कभी नहीं कर सकती और आपस में सौदेबाजी कर करके अपना अपना जो दल अपना नेतृत्व तय करता है उसमें कभी देश का भला नहीं हो सकता। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने वाजिब बातों को मानते हुए, वाजिब बातें जो होंगी वो मानी। भवानी शंकर जी आपके चाल चरित्र पर आरोप लगा रहे हैं, कांग्रेस के चाल चरित्र पर आरोप लगा रहे हैं और 10 साल के बाद में आपको ये मौका मिल रहा था लेकिन कहीं ना कहीं आप भी पिछड़ गए हैं और जानकारी मिल रही है कि कवायद जारी है आपकी तरफ से भी, क्या कहना चाहेंगे, उनका जवाब दीजिए यादव साहब। तानाशाह सरकार के अंकुश लगाने का काम किया, जिस प्रकार से पिछले 10 साल के अंदर जिस देश को धर्म के नाम पे, हिंदू मुस्लिम के नाम पे, मंदिर मस्जिद पे देश को बांटने का काम किया और सिर्फ देश को लूटने का काम किया, 16 लाख करोड़ रुपए जो हमारे राहुल गांधी जी कहते हैं कि एक व्यक्ति का अडानी अंबानी का 16 लाख करोड़ का कर्जा माफ किया, इधर किसान आत्महत्या कर रहे हैं, महिलाओं की क्या हालात है, युवा रोड में भटक रहे हैं और जो सेना में सैनिक जा रहे हैं उनको अग्निवीर बना दिया, इस प्रकार की तमाम जो देश के निरंकुशता और जो डिक्टेटरशिप इन्होंने की है उसको रोकने का काम देश की जनता ने किया है, तो सबसे पहले तो मैं बधाई देता हूँ और मैं इनसे श्रीमान जी जेपी यादव साहब आपको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ मैं कि जो जनता ने आपको जनादेश दिया है और जो हमारे कांग्रेस पार्टी को और हमारे सहयोग दलों को कहां से कहां तक पहुंचाया है, इसको तो आप भी मानते हो कि आज जो आपकी डिक्टेटरशिप है वो अब नहीं चलेगी, अब आपको बैसाखियों के सारे से चलना पड़ेगा, किस प्रकार से माहौल बनाते हो, किस प्रकार से पब्लिक को बेवकूफ बनाते हो, ये बीजेपी से सीखना चाहिए लेकिन जनता सब समझती है। राम को लाने वाले आप कौन होते हैं, कैसा बेवकूफ बनाया देश को और वहां अयोध्या के अंदर जहां राम को लाए थे, अरे भाई राम तो हमें लाते हैं, हमें लेके आए, एक एक व्यक्ति के घर के अंदर राम है, हम भगवान राम के पीछे और तुम ऐसा प्रोपेगेंडा करते हो कि राम को हम लाए, आपको ला दिया ना, सबक सिखा दिया अयोध्या की जनता ने, सबक सिखा दिया। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये कि ये भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के इनके मास्टर इस मामले में, तो आप ज्यादा घमंड में मत नहीं रहे क्योंकि घमंड तो किसी का नहीं चला और ये घमंड जनता ने तोड़ा, इसलिए धन्यवाद जनता। आम आदमी पार्टी से राधेश्याम उपाध्याय जी, आपका इंडिया गठबंधन में शामिल रहे, दिल्ली में साथ में मिलकर जो चुनाव लड़ा लेकिन 7 सीट खो दी आपने, 3 सीटों पर पंजाब में आपको जीत मिली, तो किस तरह देखते हैं अब इंडिया गठबंधन में क्या किरदार किस तरह आगे बढ़ेगा आम आदमी पार्टी का, और केजरीवाल जो एक बयान देकर गए थे कि
अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो वे 4 जून के बाद वापस बाहर आ जाएंगे जेल से, कितनी चुनौती है, कितना चुनौतीपूर्ण रहेगा, क्योंकि 3.0 मोदी सरकार का गठन होने जा रहा है, एनडीए सरकार बनने जा रही है। राधेश्याम जी, देखिए सर्वप्रथम तो ये कि हम इंडिया गठबंधन का हिस्सा थे और हमने चुनाव जो लड़ा वो इंडिया गठबंधन को तमाम जो हमारे संगठनात्मक सहयोगी थे उनके साथ चुनाव लड़े और वो पूरा देश ये भी देख रहा था कि हमारे मंत्री हमारे विधायकों को जेल में डाल दिया गया पर हमारे पास बहुत कम समय था। उसके बाद भी हमने इस तानाशाही सरकार के खिलाफ एक चुनाव लड़ा और इंडिया गठबंधन ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और देश के सबसे बड़े तानाशाह को आज सरकार बनाने के लिए गिड़गिड़ाने के लिए हमने मजबूर कर दिया। अभी हमारे ओपी यादव जी कह रहे थे कि गठबंधन की सरकारें जो है वो देश में नहीं रहती है, तो मैं आपको बता दूं कि यूपीए सरकार ने भी गठबंधन की सरकारें चलाई लेकिन जनता कभी पीड़ित नहीं रही। भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की सरकार तो बीजेपी भी चलाने की कवायद कर रही है, गठबंधन की सरकार तो ये बना रहे हैं। मैं धारा परवा वही आ रहा हूँ और आज जिस स्थिति में नरेंद्र मोदी जी खड़े हैं वो उनके अहंकार का अंत हुआ है और ये अहंकार ने जो है जनता ने तोड़ा है। देखिए कि किस प्रकार से नरेंद्र मोदी 5 से 6 राउंड के अंदर पीछे चल रहे थे, 1.5 लाख वोट से वो जीते हैं, जो कभी 6 लाख और 4 लाख से जीतने वाले प्रधानमंत्री जिन्होंने चुनाव के अंदर महंगाई का मैं नहीं बोला, बेरोजगारी का मैं नहीं बोला, इन्होंने इस देश के अंदर ये टीका कि हम ये विजन स्थापित करेंगे वो 2047 की बात कर रहे थे, 2025 का उन्होंने जिक्र नहीं किया और वही जनता ने उनको परिणाम दिया और वो जितने वोटों से जीते हैं आप देखिए इंदौर सीट के अंदर नोटा को 2.25 लाख वोट पड़े, यानी कि जो नरेंद्र मोदी के जुमले थे वो सबसे ज्यादा नोटा को प्रभावित कर रहे थे। नरेंद्र मोदी का अहंकार टूटा है और ये जनता ने बहुत अच्छा तमाचा मारा है। अहंकार की जो सरकार थी किस प्रकार से उन्होंने चलती हुई सरकारों को जेल में डाल दिया, किस प्रकार से इन्होंने महाराष्ट्र के अंदर तोड़फोड़ की, तो ये जो सारा का सारा परिणाम था आप देखिए कि ये सारा का सारा जो हुआ है उसका परिणाम से नरेंद्र मोदी की उतर है और आज सरकार बनाने के लिए उन्हीं लोगों के साथ गठबंधन करने की बात कर रहे हैं जिनको वो कभी बेईमान और भ्रष्टाचारी कहते हैं। ओपी यादव जी, कहीं ना कहीं आपसे एक सवाल पूछूंगा कि जो योजनाओं को लागू करने में, तमाम जो महत्वपूर्ण बिलों को लागू करने में जिस तरह की भूमिका रही मोदी सरकार की, पिछली मोदी सरकार की, उस दौरान किसानों के जो 3 बिल हुए थे और किसानों का नाराजगी भी देखने को मिली, आप माने न माने कहीं ना कहीं जिस तरह फिगर्स देख रहे हैं आप, आंकड़े देखेंगे उन क्षेत्रों के जो जहां हरियाणा की बात कर लें या फिर जो हरियाणा बॉर्डर के राजस्थान के इलाकों की बात कर लें, पंजाब क्षेत्र की बात कर लें, तो वहां पर इसका असर देखने को मिला है। अग्निवीर योजना की बात करूंगा, अग्निवीर योजना को लेकर काफ़ी हल्ला मचा और लोगों ने आकर सामने आकर बोला कि अग्निवीर योजना है, उसका गुस्सा उनमें है, युवाओं में काफ़ी हद तक गुस्सा देखने को मिला। और अभी जो बयान आया केसी त्यागी जी है जो जेडीयू के महासचिव हैं, राष्ट्रीय महासचिव, महत्वपूर्ण रोल अदा कर रहा है जेडीयू नई सरकार के गठन में, और उन्होंने कहा कि जो अग्निवीर योजना है उसके लिए उनको रिवाइवल करना पड़ेगा, पुनर्विचार करना पड़ेगा। तो कहीं से अभी से ही चुनौतियां शुरू हो गई है, अभी तो शुरुआत है। फिर उसके अलावा फिर जो दूसरे नेता चंद्रबाबू नायडू भी हैं, चंद्रबाबू नायडू की भी अलग तरह की मांगे हैं, और फिर एक विचारधारा के साथ आगे बढ़ रही थी बीजेपी, कहीं ना कहीं मुसलमानों को टिकट नहीं देना तमाम चुनावों में और हिंदू मुसलमान की राजनीति कहीं ना कहीं जो शो हो रही थी, तो वहाँ पर CAA का मुद्दा भी आएगा, अभी CAA को लेकर भी बैकफुट पे आना पड़ सकता है, तो कितनी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है इस नई सरकार गठन। पहले मैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता जी का जवाब दे दूं। आम आदमी पार्टी का जो उद्भव हुआ था
2012 में जब 2014 हथियार से लेके और 14 तक जो वो पहले जो वो था वो इनका दल कांग्रेस का जो दल था यूपीए जो दल यूपीए कहला उसके खिलाफ इन्होंने प्रदर्शन किया अन्ना हजारे जी के नेतृत्व अन्ना हजारे जी के नेतृत्व में इन्होंने प्रदर्शन किया और कांग्रेस पार्टी को भ्रष्टाचारी पार्टी बताया और देश को लूटने वाली पार्टी बताया। आज उसी के साथ में ये गलबैया कर और तो ये समझौता करते हैं और पंजाब में ये कहते हैं नहीं हम अलग से लड़ते पंजाब में इनकी क्या दुर्गति हुई है इनको बोलने का तो कोई आवाज थोड़ी सी डिस्टर्ब आ रही है आपकी। कोई एक साल से कोई 6 महीने से जेल में है और जेल में जब ही रहता है आदमी जब कोई ना कोई उसके प्रति कोई ना कोई प्रूफ होता है कोई ना कोई साक्ष होता है तभी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से जमानतें नहीं मिलती है। अब मैं इस बात को समाप्त करके आपकी बात का मैं जवाब देता हूँ। किसानों के लिए जो बिल लाए थे वो बहुत ही महत्वपूर्ण बिल उन बिलों को आज भी किसान याद करता है क्योंकि टैक्स से हमने मुक्त लेकिन वो जो आंदोलन था तो शुरुआत तो किसानों ने की थी और वो आंदोलन अटैक हो गया था उग्रवादियों के द्वारा देश के खिलाफ जो षड्यंत्र रचते थे उनके द्वारा और उसको हवा देने का काम किया था आम आदमी पार्टी इसलिए उसको उचित समझा आदरणीय मोदी जी ने कि इसको समाप्त करने का रास्ता यही है कि हम हमारी मूछ नीची कर ले एक समाज के अंदर एक शांत कायम करने के लिए जब बड़ा कोई व्यक्ति इस तरह का फैसला लेता है कि इससे यदि समाज के अंदर कोई द्वेष फैल रहा है इसका ठीक से मैसेज नहीं गया और ये गलत लोगों के हत्थे चढ़ गया तो इसको मैं वापस ले लेता हूँ तो मैं कहीं कोई बुराई नहीं। रही बात अग्निवीर योजना की अग्निवीर योजना में भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड क्लियर है कोई भी नया परिवर्तन लाने के लिए विरोध को झेलना पड़ता है और आप नया परिवर्तन नहीं लाएंगे तो देश विकास नहीं करेगा देश अग्रणी नहीं बनेगा देश अन्य देशों के लाइन में खड़ा होकर जाएगा। अग्निवीर योजना में कहीं कोई खराबी आप लोग यदि से सुने तो मैं समझा देता हूं 17 साल का युवा आज 17 साल का युवा 12th करने के बाद में 12वीं क्लास पास करने के बाद में वो ये सोचता है कि मैं कहीं ना कहीं नौकरी लग जाऊं कोई ना कोई एग्जाम दू मैं कहीं पे बाबू बन जाऊं मैं कहीं पे क्लर्क बन जाऊं या मैं कहीं पे कोई प्राइवेट नौकरी ढूंढ लूं। लेकिन अधिकतर युवा आज हमारा आप अपने बयान पे कायम तो रहेंगे यादव जी आप अपने बयान पे कायम तो रहेंगे आपकी अग्निवीर योजना देश हित में है 4 साल की नौकरी के लिए किसी में देशभक्ति नहीं चाहती है। देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि 70+ वालों को घर बैठाएंगे और 73 वर्ष वाले प्रधानमंत्री दोबारा शपथ लेने की तैयारी कर रहे हैं। आप झूठ बोलते हो डिबेट में बैठकर। आपने कहा कि किसान अग्रणी उग्रवादी थे केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और आप ये कह रहे थे कि देशभक्ति शासन में है। अगर आपकी आवाज थोड़ी साफ नहीं आ रही है आपने उनको जेल में क्यों नहीं डाला ये आपकी सरकार की कमजोरी थी और आपको शर्म आनी चाहिए कि डिबेट में बैठकर आप किसानों को आवाज थोड़ा तेज बोलो कह रहे हो। जनता जब सवाल करती है तो उन सरकारों को जवाब देना पड़ता है लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने थोड़ा लाउडली बोलो यादव साहब थोड़ा लाउडली बोलो लाठियां बरसाई और जब बेरोजगारी की बात करती है तो आप उनको खालिस्तानी और पाकिस्तानी कहते हो। आपको माफी मांगनी चाहिए और देश की जनता ने वोट के माध्यम से आपको ये चेता दिया कि आप देश हित में काम नहीं कर रहे थे। आपने नोटबंदी की आपने देशबंदी की आप मांगते वोटिंग के नाम पर कि नोटबंदी देश के देश हित में थी देशबंदी देश हित में थी इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के नाम पर वोट मांगते आपने नहीं कहा। आपने प्रमुख मुद्दों से लोगों को भटकाया लेकिन जनता ने वोट के नाम से आपको चेताया। चलिए अब जवाब दे दीजिए यादव साहब जवाब दे दीजिए इनकी बात खत्म होगी क्या जी आप बोलिए बोलिए आप बोलिए। पहले बता दूं मैं तो सबसे पहले बता दूं कोई यदि बोल रहा है तो उसके बीच में यदि कोई बोलता है तो उसको जनता पसंद नहीं करती उस डिबेट को इनको समझा दो जरा झूठ बोलने वाले जनता सुन नहीं सकती। उपाध्याय जी उपाध्याय जी सुन लीजिए एक बार उपाध्याय जी आपको बता आगे मौका मिलेगा आप सुन लीजिए एक बार उपाध्याय जी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे इन पर आरोप लगे थे उपाध्याय जी एक बार जो बोला आपने उसका जवाब सुन लीजिए
और जैसे ही भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए तो ये सारे के सारे पाक साफ हो गए। और आपके भ्रष्टाचार की बात करते हो, भारतीय जनता पार्टी के राज के अंदर इलेक्ट्रॉनिक वोट पर सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार हुआ। आप सफाई दीजिए और बताइए लोगों को कि इलेक्ट्रॉनिक वोट देश हित में था। आप बताइए कि नोटबंदी देश हित में थी। आपने सिर्फ और सिर्फ दो उद्योगपतियों के लिए काम किया था, अडानी और अंबानी के लिए। देश के लोगों की फिक्र नहीं थी आपको? ठीक है, अब जवाब ले लेते हैं, जवाब ले लेते हैं। राधेश्याम जी, महंगाई कम कीजिए, पेट्रोल डीजल के दाम कम कीजिए। आपने टोल टैक्स के नाम पर जनता को लूटा, आपने सड़कें बनाकर जनता को लूटा। वो सड़कें सिर्फ और सिर्फ दो उद्योगपतियों के हाथ में थी। आप नहीं कह सकते कि जनता ने आपको नकारा है, आपको जनता ने चेताया है और ये लागू होता है। आज एनडीए जो संगठन बना है वो देश के लिए एक नहीं काम करेगा। और आपको ये भी बता दे कि इंडिया गठबंधन सबसे बड़ा गठबंधन बन के निकला है, जिसको आप ठगबंधन कह रहे थे, उसी को इस भारत की जनता ने जनादेश देकर आपके समक्ष खड़ा किया है। ठीक है, अब जवाब ले लीजिए, अब आगे वक्त मिलेगा। ओपी नैतिकता के आधार पर देश के प्रधानमंत्री को अपना इस्तीफा सौंपना चाहिए। राधेश्याम जी, जवाब ले लीजिए। ओपी यादव जी, विजय जी बोलू जी, बोलिए। अग्निवीर योजना में रह गई थी, अग्निवीर योजना में आज हमारा 17 साल का बच्चा एक ऐसे इंस्टीट्यूशन में जाकर के और अपना धन भी अर्जित करता है, अपने स्वास्थ्य को भी सही करता है और नई नई टेक्निक सीख करके आधुनिक हथियारों को चलाना भी सीखता है। ये सोच करके हमारे नौजवानों को भर्ती करने का ये प्लान बनाया और उसमें जब बच्चा 4 साल बाद में कुछ बच्चे उसमें एडजस्ट हो जाएंगे, कुछ बच्चे जो बाहर आएंगे उनके हाथ में जब 21 साल का बच्चा होगा तो उनके हाथ में 14 लाख रुपए होंगे। 14 लाख के अलावा उसको एक सर्टिफिकेट मिलेगा जिसमें वो अन्य नौकरियों में जाएगा तो उसमें उसको वरीयता मिलेगी, उसमें रिजर्वेशन है एक्स सर्विस मैन के नाम से। कहां बुरी लगी आपको? लेकिन मैं खुद भी करेगा इससे अच्छा वहां से जाकर के 14 लाख रुपए अपने हाथ में लाएगा और एक सर्टिफिकेट रिजर्वेशन का सर्टिफिकेट। लेकिन मैं खुद भी ऐसे युवाओं से मिला हूँ, अगर बैठा है तो वो अच्छा था। यादव साहब, मैं खुद भी स्वयं भी ऐसे युवाओं से मिला हूं जिनसे मैंने बात की है, उनके अंदर एक इनसिक्योरिटी देखने को मिली है ये जो इस योजना को लेकर, कईयों की आंखों में आंसू देखे और जो भविष्य लेकर चल रहे थे जो सेना में, वो कहीं ना कहीं इस योजना से काफी आहत हैं। मैं पर्सनली कईयों से मिला, सेना में जिनको भविष्य लेना है उनके लिए एनडीए खुला हुआ है, उनके लिए सीडीएस खुला हुआ है। जो बच्चे ग्रेजुएट कर लेते हैं उनके लिए सीडीएस जाने का रास्ता है, जो 12th करते हैं उनके लिए एनडीए में जाने का रास्ता है। उनको बंद थोड़ी किया है सरकार ने, उसमें चाहिए आप। लेकिन जो उसकी चर्चा कर रहे हैं अपन, जनरल ड्यूटी में वो बच्चा जाता है जो पढ़ाई में औसत होता है, पढ़ाई में ठीक नहीं होता है, या वो कुछ करना चाहता है, परिवार से गरीब है, या दिमाग चलना नहीं चाहता, कंपटीशन फाइट नहीं कर सकता, उन बच्चों के लिए वो रास्ता खोला है। आऊंगा आपके पास राधेश्याम जी, आऊंगा। पहले एक बार मैं भवानी शंकर जी से सवाल पूछ लेता हूं, इसी अग्निवीर योजना को लेकर आपसे भी पूछूंगा। अग्निवीर योजना को जहां से जहां जहां जा रहे थे राहुल गांधी जी महालक्ष्मी योजना की खटाखट कर रहे थे, जहां जा रहे थे वहां अग्निवीर योजना को लेकर चर्चा कर रहे थे, अडानी अंबानी को लेकर चर्चा कर रहे थे। आज सुबह सूचना मिली कि कुछ जो मुस्लिम महिलाएं कांग्रेस दफ्तर पहुंची है और मांग करने लगी कि भाई वो खटाखट जो आने वाले थे मंथली 8.5 लाख 8.5 हजार रुपए और साल के 1 लाख रुपए वो कब मिलेंगे, उसको लेकर टीवी चैनल्स पे काफ़ी मतलब फजीहत भरा दौर चला था। हालांकि मैं पर्सनली कोई कटाक्ष नहीं करूंगा, लेकिन जब उनका ये कहना था कि राहुल गांधी ने विश्वास दिलाया था कि हमको 1 लाख रुपये मिल लेंगे, तो क्या किस तरह का मैसेज जाएगा अगर सरकार विपक्ष में मतलब आप लोग विपक्ष में बैठेंगे, तो सरकार के गठन को लेकर क्या कवायद जारी है, या कुछ साल वेट करेंगे आप? अग्निवीर योजना को लेकर ये पूछूंगा, अभी ओपी यादव जी कह रहे हैं कि अग्निवीर योजना के लिए सीडीएस का विकल्प है, एनडीए का विकल्प है, और अग्निवीर योजना का काफ़ी अच्छे तरीके से आपने एजेंडा बनाया था और उसका आपको लाभ भी मिला, तो किस तरह लेते हैं आप ये बताइए।
देखिए अग्निवीर योजना जो इनकी थी, हालांकि बीजेपी के प्रवक्ता या इनके ये प्रवक्ता तो वो है, इनके जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है वो झूठों की बात है, वो झूठ बोलते हैं और इनको ट्रेनिंग देते हैं। जो मोदी जी कहेंगे वो बात इनके प्रवक्ता क्या है, इनके कार्यकर्ता कोई बात करेंगे, लेकिन देश की जनता ने बता दिया कि अग्निवीर योजना क्या थी। कर्जा माफ बिल्कुल कर्जा माफ हुआ है राजस्थान में हमारे अशोक गहलोत की सरकार ने कर्जा माफ किया था, कर्जा माफ किया था। सुनने की कैपेसिटी रखे वो मुझे पता है कि बीजेपी वालों को सुनने की कैपेसिटी नहीं है, इनके प्रधानमंत्री में नहीं है, इनके नेताओं में नहीं, तो ये कहां से सुनेंगे? ये बात सुनना नहीं चाहते, ये थोकना चाहते हैं। मैं कहना चाहता हूँ राजस्थान की अगर बात करते हैं, अभी हमारी सरकार नहीं है, लेकिन जब गहलोत साहब की सरकार आई थी तो हमने यहाँ पे किसानों का कर्जा माफ किया था। नेशनलाइज बैंकों का प्रधानमंत्री जी को हमने पत्र लिखा, जाके गहलोत साहब ने पत्र लिखा, लेकिन वो नहीं चाहते थे कि किसानों का कर्जा माफ हो। राजस्थान में जिस प्रकार से हमने, जो आप कह रहे हो कि राहुल जी ने 1 से 10 तक की गिनती बोली थी, वो जो बोली थी ना वो काम किया है, और राजस्थान की जनता ने तो आपको आईना दिखाया है, आपको बताया कि राजस्थान में हमारे गहलोत सरकार कैसी थी। झूठ बोल के कन्हैयालाल का मैटर था, उसको झूठ तरीके से फैलाया आपने कि साहब उसको तो 5 लाख दिए, मुसलमान को 50 लाख दिए, जबकि हकीकत यह है कि राजस्थान में अगर 50 लाख का पैकेज अगर चालू हुआ था तो वो माननीय गहलोत साहब ने कन्हैयालाल को दिया था और उसके दोनों बेटों को सरकारी नौकरी दी थी। तो ये से झूठ बोल के तुमने और राजस्थान की जनता को भ्रमित किया। क्या आज जो दिया कुमारी की हमारे यहाँ की माननीय है वो मुख्यमंत्री है, वो उस टाइम पे रोड पे निकलती थी, महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है, महिलाओं के साथ ये हो रहा है, क्या आज नहीं हो रहा? अरे ये तो मानवीय घटनाएं होती रहेगी, लेकिन आप किस तरीके से प्रशासन में रहके उनके ऊपर अंकुश लगा सकते हैं, कैसे प्रशासन को प्रशासन के माध्यम से कंट्रोल कर सकते हैं, ये हमारी सरकार ने किया था। आपने झूठ बोल के सरकार को हत्या ली, कोई बात नहीं, लेकिन आज ये पर्ची की सरकार है या राजस्थान में तो क्या यार क्या हो रहा है यार? आपने हमारी सरकार की योजनाओं को बंद कर दी। आप जिस प्रकार से अग्निवीर लेके आए थे, तो हमारे राजस्थान में मुख्यमंत्री जी ने एक योजना लाए थे, राजीव गांधी युवा मित्र योजना, 5000 लोग पंचायत समिति में बैठ के और वो सरकार की योजनाओं का प्रचार कर रहे थे, सरकार की योजना को जनता का लाभ पहुंचाने का काम कर रहे थे, और ये पर्ची की सरकार आई उसको बंद कर दी। तो इस प्रकार से जो आप काम कर रहे हैं तो जनता उसका जनादेश देती है। राजस्थान में आपको आईना दिखा दिया, इतना कुछ करने के बाद में मोदी जी हर बात पे आगे गारंटी देते हैं, मोदी की गारंटी, वो सारी मोदी की गारंटी गौण हो गई, और राजस्थान में हमारा जो सुशासन था उस पे जनता ने मोहर लगाई है, एनडीए गठबंधन ने जो कमिटमेंट किए थे उस पे मोहर लगाई है, राहुल गांधी जी की जो भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जो लोगों ने राहुल गांधी जी पे विश्वास जताया, हमारे सहयोगी दल चाहे आप हो चाहे अन्य पार्टियां हो उन पे भी विश्वास जताया। आज शर्म की बात है कि देश के अंदर 200 मुख्यमंत्री जेल में बैठे हैं, ऐसा कभी हमने नहीं देखा। ये जो तानाशाही थी आपकी, इस तानाशाही के खिलाफ जनता ने जनादेश दिया, आपको स्वीकार करना पड़ेगा, ये भी आपको स्वीकार करने पड़ेगा इस बात को कि जो ये तानाशाही नहीं चलती है। और अब आगे की बात है, आगे गठबंधन की सरकार हमने तो चलाई है, हमने चलाई है सरकार, और आपके जो एनडीए की सरकार थी पहले अटल जी ने चलाई, 13 दिन की सरकार आपने देखी है, हमने भी देखी है, क्या पता ऐसा भी और हो सकता है, लेकिन हम नहीं चाहते। हम तो ये चाहते कि देश पे सुशासन देने वाली सरकार बने और हम विभिन्न भूमिका निभाएंगे जनता के साथ में। अगर कोई अन्याय होता है तो कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन पूरे देश के अंदर रोड पे खड़ा रहेगा जनता के अधिकारों के। ओपी यादव जी, इनकी बातों का जवाब दीजिए, भवानी शंकर जी का। और एक छोटा सवाल मेरा ये भी है कि जो अजीत पवार की एनसीपी
शरद पवार की एनसीपी से संपर्क कर रहे हैं इनके सांसद, शिवसेना जो शिंदे ग्रुप की शिवसेना के सांसद हैं उद्धव ठाकरे की शिवसेना से कांटेक्ट कर रहे हैं। तो महाराष्ट्र में अभी तक जो हलचल मची थी, जो कोहराम मचा था, एक तो वो थमने का नाम नहीं ले रहा। क्या चल रहा है ये? तो कहीं ना कहीं इस और इंडिया गठबंधन के नेताओं का भी कहना है कि जो एनडीए के गठबंधन के कई नेता, कई सांसद हैं, वो उनसे संपर्क में हैं। फिर इसको किस तरह लिया जाएगा? अभी लगातार कुछ ना कुछ नई फेरबदल, नई घटनाक्रम जुड़ता जा रहा है, तो बड़ी चुनौती भरा सफर है। अभी सरकार का गठन नहीं हुआ है, 9 जून को शपथ ली जानी है, उससे पहले कोई नया घटनाक्रम सामने आ सकता है। बताइए भवानी जी। तो विजय जी, मैं सबसे पहले तो भवानी जी की इस बात का जवाब देना चाहूंगा कि तानाशाही किसको कहते हैं, जरा इनसे ये पूछा जाए। कांग्रेस ने कितनी बार तानाशाही दिखाई इस देश के सामने, और मोदी जी ने कितनी बार 10 साल में तानाशाही दिखाई। इनके तो राहुल गांधी ने अपने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का अध्यादेश भरी जनता के सामने, भरी संसद के सामने फाड़ करके तानाशाही दिखाई थी। इंदिरा गांधी ने सन 1973 इमरजेंस लगा करके तानाशाही दिखाई थी। इंदिरा गांधी ने 84 में सरदारों का कत्लेआम कर करके तानाशाही दिखाई थी। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि तानाशाही का उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ा था कांग्रेस को। उसका खामियाजा भुगतना पड़ा था, जो इमरजेंसी लगी थी उसका खामियाजा भुगतना पड़ा, निश्चित तौर पर पड़ा था। अभी किसान बॉर्डर पे बैठे रहे अपने अधिकारों के लिए, केवल मैं दोनों ही दलों के लिए बात कहना चाहूंगा कि निरंकुशता ये देश बर्दाश्त नहीं करता है। लोकतांत्रिक मूल्यों के आधार पर ये देश चलता है। अब मेरी बात सुनो आप। मोदी जी ने भ्रष्टाचारियों को जेल में भेजा है। यदि कोई भ्रष्टाचारी नहीं होगा, वो साफ सुथरा होगा, तो छूट के आ जाएगा। जैसे मोदी जी ने भ्रष्टाचारी, एक मिनट आपकी बात सुनिए, मोदी जी ने भ्रष्टाचारियों को जेल में भेजा है, लेकिन जो भ्रष्टाचारी भारतीय जनता पार्टी, ये भारतीय जनता पार्टी का दुपट्टा अगर गला में डाल लेगा तो उसको जेल में नहीं भेजेंगे, वो हमारा हो जाएगा। बहुत बड़ा प्रहार होने वाला है भ्रष्टाचार के ऊपर, आने वाले समय में प्रहार होने वाला है, इसमें कोई रुकावट नहीं आएगी। ये आपको मैं वादा कर रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता होने के नाते कोई कमी नहीं आएगी भ्रष्टाचारियों को हटाने में। कोई दल नहीं चाहता भ्रष्टाचार हो। अब आपके सवाल का जवाब मैं दे देता हूँ। जो अजीत पवार है, शरद पवार है, देखो ये चर्चा है, जब तक प्रधानमंत्री शपथ नहीं ले लेंगे, जब तक ये चलती रहेगी विचारों में, ये चर्चा नहीं चलेंगी तो हम और आज आप बैठ करके बात क्या करेंगे जी। अच्छा, एक छोटा सवाल और, फिर उसके बाद राधेश्याम जी आपके पास आऊंगा। राजस्थान में जो परफॉर्मेंस खराब हुआ है, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्योंकि मध्य प्रदेश में अच्छा परफॉर्मेंस रहा है, क्लीन स्वीप किया है मध्य प्रदेश में बीजेपी ने, निश्चित तौर पर। और वो विदिशा से उन्होंने सांसद का चुनाव भी जीता है, बड़े बड़े वोटों से, 8 लाख से भी ज्यादा वोटों से जीता है, जो पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। और उसका उनको गिफ्ट भी मिलने जा रहा है, खबर ये मिल रही है कि उनको गृह मंत्री का पद मिल सकता है। और गृह मंत्री जो अभी गृह मंत्री थे लास्ट अमित शाह, वो अब संगठन को संभालेंगे। कहीं ना कहीं संगठन की चिंता क्यों सता रही है अब? पहले संगठन जेपी नड्डा संभाल रहे थे, क्या संगठन सही तरीके से नहीं चला पा रहे वो? क्या आप भी मानते हैं इस बात को कि वसुंधरा राजे को साइडलाइन करना महंगा पड़ गया राजस्थान में बीजेपी को? नहीं, क्या कहीं कोई साइडलाइन नहीं किया है? हमारी राजस्थान के अंदर रणनीतिक रूप से हम लोग पिछड़े, रणनीति हमारी ठीक नहीं रही। मैं कोई इधर उधर की कोई लाख लपेट की बात नहीं करता, मैं सीधी बात करता हूँ। हमारी कहीं ना कहीं संगठन की कोई चूक रही है, जिसके कारण से ये परिणाम आए। बाकी ऐसा नहीं है कि हमारा जनता का मैंडेट नहीं मिला, जनता का मैंडेट इनसे ज्यादा परसेंटेज है, हमारी मत प्रतिशत इनसे ज्यादा है कांग्रेस, इसलिए ये ज्यादा घमंड में नहीं खेले। वो हमारी कोई रणनीति चूक रही, जिसके कारण का हमको खामी से भुगतना पड़ा, उसमें हम सुधार करेंगे, उसकी समीक्षा करेंगे, इसमें कोई छुपाने वाले घमंड नहीं कर रहे। आपके आपके मुख्यमंत्री और आपके नेता ही कहते थे हर सीट 5-5 लाख से जीतेंगे, और एक भी सीट 5 लाख से नहीं जीते राजस्थान में। मान लिया ना हमारी रणनीतिक चूक रही, मान लिया ना मैंने, उसमें कोई ये आपका घमंड था, रणनीतिक चूक नहीं है, ये आपका घमंड था। जनता आईना दिखाती है घमंड को। भैया घमंड वो होता है जो भरी जब संसद में कागज फाड़ता है, वो होता है घमंड।
और देश में इमरजेंसी लगाता है, लोगों को जेल में ठूस देता है जबरदस्ती। राधेश्याम जी, राधेश्याम जी, अब आपसे सवाल। राधेश्याम जी, आपके आपको आवाज आ रही है मेरी? राधेश्याम जी, राधेश्याम जी, आपको आवाज आ रही है? चलिए आपसे राधेश्याम जी से संपर्क नहीं हो पा रहा, शायद आवाज नहीं पहुंच रही। भवानी शंकर जी, जवाब दीजिए। यादव साहब की, पहले तो यादव साहब ने जो कहा है उसका जवाब दीजिए, और दूसरा एक जो मैं फिर दोबारा तो दोहराना चाहूंगा, अमित शाह को अब गृहमंत्री नहीं रहेंगे, अब संगठन की कमान संभालेंगे, रणनीति बदल दी है, कहीं ना कहीं रणनीति में खामी रही थी, इस बात को यादव साहब स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन ये स्वीकार नहीं कर रहे कि वसुंधरा राजे को साइडलाइन कर दिया। हालांकि ये बात बिल्कुल सही है कि वसुंधरा राजे लोकसभा के जो चुनाव प्रचार में भागीदारी नहीं निभाई थी वसुंधरा राजे ने, एक एक ही जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहां तक ही सीमित रही थी। आप किस तरह लेते हैं इसको? और साइडलाइन हमने नहीं किया, किसी को साइडलाइन नहीं करते हम। शिवराज सिंह जी को हमने मध्य प्रदेश में हटाया मुख्यमंत्री पद से, उनको साइडलाइन कर दिया क्या? मनोहर लाल खट्टर को हरियाणा में हराया, वो हटाया मुख्यमंत्री के पद से, क्या हमने साइडलाइन कर दिया क्या? ऐसे ही वसुंधरा जी है भाई, वसुंधरा जी को वेट एंड वॉच में बैठा रखा था क्या? क्योंकि वो कहीं प्रचार भी नजर नहीं आ रही थी। आप एक बात बता दे, वसुंधरा जी ने अपनी एक कॉन्स्टिट्यूंसी के अलावा कोई दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी पे अगर सभा की हो, रोड शो की हो या वोट मांगा हो, वो सिर्फ वहीं तक सीमित थी, उनको इतना नेग्लेक्ट किया है तो साफ दिख रहा है। ये यही तो घमंड था, इस घमंड को ही तो जनता ने आपको सबक दिखाया है। आपके एमपी के अंदर मीडिया बताता है, पूरा देश के अंदर परसेप्शन था कि अगर एमपी के अंदर सरकार बनी है तो वो सरकार किसकी वजह से बनी थी? देते ना फिर आप भाई, ये तो पूरे राजस्थान की बात कर रहे हो, फिर 25 क्यों नहीं जीती आपने? नहीं तो 25 तो आप तो 25 की बात कर रहे थे ना, आप कह रहे थे कि 5 लाख, आपके पूरे केंद्रीय मंत्री, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, आपके मुख्यमंत्री और यहाँ के राजस्थान के मंत्री और नेता एक ही बात करते थे कि हम हर सीट को 5 लाख वोटों से जीतेंगे, 5 लाख वोटों से, और एक भी सीट 5 लाख से नहीं जीते। बोलना था हमको ऐसा बोलना था कि 25 में हम 10 जीते, ऐसा कोई दल बोलता है क्या? नहीं, आप तो 25 की बात कर रहे थे, और आपने तो चुनावों से पहले पूरे देश के अंदर प्रधानमंत्री जी ने, गृह मंत्री जी ने और इंडिया की सरकार ने एक प्रसन्न फैला दिया था इसके माध्यम से कि पूरे देश के अंदर इस बार 400 बार हो रहे हैं, पूरे एग्जिट पोल किसने लिख के दिया था? ये शायद सरकार की किसी नुमाइंदे ने, प्रधानमंत्री जी ने लिख के दिया होगा कि आप तो ये चलाओ, और जनता का जनादेश क्या आया? हमने 50 आगे बढ़ा के ही तो बोलेगा कोई दल, बोलेगा तो हम 400 बार की बात कर रहे थे, पूरे एग्जिट पोल जो है उन्होंने 400 बार बताया था, और हुआ क्या? बीजेपी 240 के विस्तार चाहने के लिए कार्यकर्ताओं को टारगेट दिया जाता है, तो टारगेट देंगे तो 350 तो हम पहले थे, 400 का ही देंगे हम 300 का देते थे उनको, 300 जीतना है, ये भी कोई बात हुई नहीं तो 400 के आपको तो फिर, अरे भाई आपको अगर 400 सीटें जीती थी तो आप तो पूरे 543 की बात करनी चाहिए थी आपको, तो पूरे आपके कहीं ना कहीं आपके संगठन की भी खामी है ये, अगर ऐसे नारा देने से सीटें जीत जाते हैं तो आपको तो 543 की देनी चाहिए थी। अच्छा एग्जिट भाई 543 की देनी चाहिए थी आपको, अगली बार 500 का देंगे भैया, उसमें क्या क्या मजाक की बात है। ओपी यादव जी, ओपी यादव जी, एग्जिट पोल्स में भी बहुत बड़ा बड़ा फिगर दिखाया, और कई जो तमाम चैनल्स हैं उन पर ये भी लगे थे कि तमाम चैनल्स पर को एक सर्कुलर सा जारी कर दिया गया पीएमओ से कि यही एग्जिट पोल दिखाना है, और ये आरोप लगे थे विपक्ष की तरफ से, हालांकि मैं खुद भी मीडिया से हूँ इसलिए इस बात को स्वीकारूंगा नहीं, लेकिन
अभी जो शेयर बाजार जिस तरह शेयर बाजार को लेकर अमित शाह ने खुद ने आकर ये बयान दिया था, ये अपील की थी कि शेयर्स खरीदिए, निवेशकों ने पैसा निकाल लिया था 17,000 करोड़ से भी ज्यादा, फिर उसके बाद उन्होंने अपील की, कई जो स्पेशलिस्ट एक्सपर्ट्स हैं, बाजार विशेषज्ञ हैं, उनके जरिए उन्होंने बयान दिलवाया जगह जगह कि बहुत अच्छा जाएगा और एनडीए की सरकार बन रही है, बड़े बहुमत से आने वाली है, उसको देखते हुए शेयर बाजार में काफी तेजी आई। आरोप विपक्ष का इरादा कि जो अपने जो जो कुछ बड़े उद्योगपति हैं उनको लाभ पहुंचाने के लिहाज से पीएम मोदी ने ये जो फैसला लिया, ये कदम उठाया था। और अब राहुल गांधी का बयान आया कि जेपीसी के जरिए इसकी जांच होनी चाहिए, ये मार्केट घोटाला है बहुत बड़ा, और उसके बाद में मार्केट गिरा था जो अकाउंटिंग के दिन बहुत काफ़ी हद तक गिरा था, इसका लाभ उनको तो मिल गया, जो व्यापारियों को तो लाभ मिल गया, लेकिन निवेशकों को करोड़ों रुपए का नुकसान होगा, कई निवेशक बर्बाद हो गए, ऐसी सूचना मिल रही है, क्या कहेंगे विजय जी? सब अपना अपना प्रिडिक्शन तय करते हैं। जिस प्रकार से आप कह रहे हैं कि अमित शाह जी ने कहा, ऐसे ही कांग्रेस ने भी कहा था कि 295 हमारी आएंगी, बोला था ना कांग्रेस ने, नहीं लेकिन आगे आकर शेयर बाजार से अपील करना, शेयर बाजार के निवेशकों से अपील करना, अमित शाह गृह मंत्री खुलकर आ रहे हैं, बाजार की बात अभी करूंगा। अब इन दोनों में से विश्वसनीय कौन, क्योंकि कांग्रेस ने भी कहा था हमारी 295 आ रही है, तो इसलिए प्रिडिक्शन तो चुनाव जब हो जाते हैं तो उसके बाद में अपने अपने दल प्रिडिक्शन लगाते हैं, उसमें आप लोगों के चैनल भी शामिल होते हैं, चैनल भी सर्वे करते हैं, एग्जिट पोल भी देते हैं, पार्टियों के दलों के नेता भी, लेकिन तमाम जो देश के सट्टा बाजार है वो तो कुछ और ही बता रहे थे। अब उस प्रिडिक्शन के कारण यदि शेयर बाजार चढ़ता है, अब शेयर बाजार जब हम पांच दोस्त बैठते हैं तो हम क्या चर्चा करते हैं, शेयर बाजार क्या है, आप अपने ही जबान से बता दीजिए, शेयर बाजार को हम क्या बोलते हैं, जुआ। शेयर बाजार एक जुआ है, और वो शेयर बाजार भी नीचे लिखता है, शेयर बाजार भी नीचे ये लिखता है कि आप सोच समझ करके निवेश करें, आप अपने रिस्क के ऊपर निवेश कर रहे हैं, हम उसको जुआ ही बोलते हैं ना साधारण भाषा में। जी बिल्कुल, आपने जुए में पैसे लगाया था, आपने पहले कमाया भी तो होगा, अब गवाया, पहले कमाया उसका तो आपने जिक्र नहीं किया, और अब आपने गवा दिया उसका आप जिक्र कर रहे हो, और उसका कह रहे हो जेपीसी बिठाओगे, जा रहे जेपीसी बिठाओगे, आप इस शेयर बाजार को बंदी कर देते ना, शेयर बाजार आज का पैदा हुआ तो है नहीं, कांग्रेस के जमाने का पैदा हुआ है, आप इसको बंद कर देते, कांग्रेस ने तो 60 साल शासन किया है, ऐसी एजेंसियों को चलने क्यों दिया जिसमें देश लुटता है, देश की जनता लुटती है, तो ये तो एक जुआ है, आप लगाते हैं तो ठीक है आपकी मर्जी पे, आपने कभी डुबाया है तो कभी कमाया भी है, लेकिन कमाने वाले का कभी जिक्र नहीं होता, डुबोने वाले का आप जिक्र कर देते हो, जेपीसी मैन तो निकलेगा क्या, जेपी जी ये कोई जवाब, ये कोई ये कोई जवाब नहीं आपका, आप जो जवाब दे रहे जिस तरीके से ये जवाब नहीं है, अभी विजय जी का क्वेश्चन दूसरा, आप जवाब दूसरा दे रहे हैं, आप पूछो ना, बताओ ना, आपके जवाब दे दूंगा। मेरा सवाल तो यही है, जेपीसी की जांच, मैं थोड़ा सा और उसको एड ऑन कर देता हूँ, जेपीसी में प्रवक्ता को पूछने दीजिए, इनको बता देता हूँ, पूछिए भैया। नहीं नहीं, क्वेश्चन तो विजय जी का है, मैं तो ये कह रहा हूँ, राहुल गांधी, राहुल गांधी की बात है, ये फालतू की बात है, जेपीसी की फालतू की बात है, क्या जेपीसी बिठाओगे आपने, नहीं आपने किसी व्यक्तिगत के कहने पर निवेश किया है क्या आपने, अगर विपक्ष बोला था कि अगर विपक्ष को घेरना होता, विपक्ष को कटघरे में खड़ा करना होता तो सत्ता पक्ष इस तरह की जांचें कराने में कोताही नहीं बरतता है। ओपी जी, मैं सत्ता पक्ष जब कहीं विपक्ष की बात आती है तो उस पर जांच कराने, कोई एसआईटी गठन करना या कोई जेपीसी की जांच होनी होती तो उसके लिए सत्ता पक्ष पीछे नहीं हटता। कोई पीएसयू थोड़ी है, पब्लिक सेक्टर यूनिट थोड़ी है शेयर बाजार, जिसकी आप जेपीसी की मांग करोगे, राहुल गांधी को इतना ही ज्ञान नहीं है कि जेपीसी की मांग कौन से मुद्दे पर उठाई जाती है, कोई पब्लिक सेक्टर यूनिट ने कोई घोटाला किया है क्या, राहुल गांधी से पूछिए जरा, ये पब्लिक सेक्टर यूनिट है क्या, शेयर बाजार में आपका आपकी इच्छा, आप निवेश करें करें, नहीं करें नहीं करें, बताइए। गृह मंत्री जी ने 2 दिन पहले कहा था कि शेयर मार्केट उठने वाला है, हमारी सरकार बन रही है, स्पष्ट बहुमत से सरकार बन रही है, तो ये उनके बयान थे, इस वजह से ये हुआ सब कुछ,
आप क्वेश्चन समझिए, आप जैसे बोल रहे हैं वैसा नहीं बोला गृह मंत्री जी ने, आप मुझे वीडियो दिखाइए, ऐसा नहीं बोला जैसा आप बोल रहे हैं। 30,000 करोड़ का नुकसान बताया जा रहा है निवेश होगा जी, मैं ये कह रहा हूँ 30,000 करोड़ रूपए अभी जिन्होंने डुबोए हैं उन्होंने 60,000 करोड़ रुपए कभी कमाए भी तो होंगे। 30 लाख करोड़ का नुकसान है, 30 लाख करोड़ का, ओ माफी जी, 30 लाख करोड़ का, बिल्कुल। कौन पैसा लगाएगा, कोई गरीब तो लगाएगा नहीं, जो पैसे वाला है जो मीडियम क्लास है वही तो लगाता है, वो इसलिए लगाता है कि उसको विश्वास है कि मेरा पैसा लौट के आएगा, और कभी घाटा कभी नुकसान, ये तो जुआ है, मैंने कह दिया ना एक एक शब्द में, आप इसे मत लगाइए। उन्होंने निवेश क्यों किया, उन्होंने हमारे देश के जो गृह मंत्री है माननीय अमित शाह जी उनके आह्वान पे निवेश किया, उन्होंने झूठ बोला कि हमारी सरकार बन रही है, स्पष्ट बहुमत सरकार बन रही है, हमारी 400 पार सीटें आ रही है, इस पे अब देश के नागरिक विश्वास करेंगे क्योंकि हमारे गृह मंत्री है, तो गृह मंत्री जी पे विश्वास कर दी तो निवेश किया इन्होंने। भवानी जी आपके नेता नहीं बोला कि 295 हमारी आ रही है। अब एक मिनट अपन आप उससे बात करते हैं, सुनिए एक बार, हमारी जब से जो इलेक्शन कमीशन लगा है, आप थोड़ा ध्यान दीजिए मेरी बात पे, जब से इलेक्शन कमीशन लगा उसके बाद में कांग्रेस ने और इंडिया गठबंधन ने सिर्फ और सिर्फ अपना मैनिफेस्टो, अपनी योजना, हमारी सरकार की आगे की जो रणनीति, ये जो सारी पब्लिक में लेके गए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नरेंद्र मोदी जी की जो कमियां थी, अग्निवीर है या किसान किले जो भी थे उनको लेके हम जनता के बीच में गए, लेकिन कहीं पे ये नहीं कहा कि हम 295 आ रहे हैं या 300 पार कर रहे हैं। जब इलेक्शन हो गए, 7 फेज के इलेक्शन होने के बाद में फिर सभी गठबंधन के हमारे जो संगठन के लोग थे इंडिया गठबंधन के, उनसे मीटिंग करी है, उनसे जानकारी ली है कि ठाकरे जी की कितनी आ रही है, आपकी कितनी आ रही है, चलित जी की कितनी आ रही है या समाजवादी पार्टी की कितनी आ रही है, सबका कैलकुलेशन करके फिर कहा है कि हम 295 आ रहे हैं। तो ये आकलन था हमारा, आपकी तरह नहीं कि 400 पार, आपने तो 6 महीने पहले कह दिया अब की बार 400 पार। तो 295 में सरकार तो बनती है ना, 295 में सरकार तो बनी रही है ना आपकी, ऐसा तो नहीं है ना 295 में भाई चुना, हमारा आकलन बताया था कि हम 295 पास कर रहे हैं, तो ये आकलन था हमारा, हमने ऐसे नहीं कहा कि हमने 200, अरे आपने तो 6 महीने पहले कह दिया था 400 पार, और हमने ये भी नहीं कहा कि आप इन्वेस्ट करें, हमारी सरकार बन रही है जैसे गृह मंत्री जी ने कहा है, आज देश 30 लाख करोड़ के नीचे की कोई सरकार नहीं है। अभी हमारे राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं बोलना चाहिए, आप मुझे ये वीडियो अभी निकाल करके दिखाइए कि निवेश करें ऐसा गृह मंत्री ने बोला, आप दिखाइए मुझे ऐसा, अखबारों में छपी है तो भाई ये तो पब्लिश हुई है खबर है, आप मुझे अखबार, मैं थोड़ी कह रहा हूँ पूरा देश ने देखा है, पूरा देश ने पढ़ा है, पूरा देश ने सुना है, आप डिबेट खत्म होने के बाद में बता देना, आपको चैलेंज है मेरा भाई, या तो आप प्रवक्ता है, आपको नॉलेज नहीं है, आपको नॉलेज नहीं है, आपके नेता क्या बोलते हैं आपको पता ही नहीं है, अच्छा आप कहाँ नहीं बात, मैं समझ रहा हूँ आपकी बात को, आप कहाँ कहाँ ध्यान रखे, आपके नेता हिंदू मुसलमान मटन मछली मुजरा कहाँ जाते हैं आपको पता थोड़ी है, आप भी सही है, आपको सारी बातों का ध्यान नहीं रहता, उन मटन मछली वालों कितनी सीट आई है, मटन मछली वालों की सीट बताना जरा कितनी आई है बिहार में, नहीं मैं ये कहना चाहूंगा आपको इतना ध्यान नहीं देता, प्रवक्ता कहाँ तक ध्यान रखे, आपके नेता एक जगह स्टैंड नहीं रहते तो कहाँ कहाँ हर मीटिंग के अंदर, मटन हर रैली के अंदर, हर प्रोग्राम के अंदर नए नए जुमले फेंकते हैं, तो प्रवक्ता बेचारे कहाँ तक ध्यान रखे, आपकी गलती नहीं है इस पे जेपी जी, आपकी गलती नहीं है इस पे, 40 में से 3 पे सिमट गए मटन मछली वाले, मटन ये 240 धान से आ गई थी, फिर 240 ये 234 धान से आ गई, अगर 3 में सलट गए तो ये 99 कहां से आ गए, हमारे तो 52 सांसद थे अभी 99 है कहां से आ गए। अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, भवानी जी अब भवानी जी आप ये बताइए कि अब क्या स्टैंड रहेगा आपका, क्योंकि नीतीश कुमार को लेकर कहीं ना कहीं
जो खींचतान जारी है, नीतीश कुमार से संपर्क किया जा रहा है, नीतीश कुमार को चाचा को पलटी दिलाने की कवायद जारी है, इंडिया गठबंधन पूरी तरह से उनसे कांटेक्ट करने कर रही है। उधर अगर आप सरकार का गठन करने की का प्लान कर रहे हैं तो किस तरह का ऑफर देंगे, क्या प्रधानमंत्री तक का ऑफर उनको आप कर सकते हैं? देखिए, इंडिया गठबंधन की बैठकें जारी है और कैलकुलेशन आपके सामने है। हमने कभी, हमारे राहुल गांधी जी ने, खड़गे साहब ने या हमारे इंडिया ब्लॉक ने कभी ये नहीं कहा कि हम सरकार बना रहे हैं। बैठ के बात करेंगे, चर्चा करेंगे, उसके बाद विचार करेंगे। अब इन्होंने तो एनडीए का तय कर दिया, इन्होंने तो तय कर दिया कि प्रधानमंत्री जी होता है 2 जून को शपथ दे रहे हैं, लेकिन हमने ऐसा कुछ नहीं किया। जो देश के हित में होगा, हम विपक्ष में बैठेंगे तो विपक्ष में बैठ सकते हैं, सत्ता में आएंगे तो सत्ता में आ सकते हैं। ये भी आगे नंबर ऑफ गेम का मामला है, तो इसमें मैं नहीं कह सकता, ये तो इंडिया गठबंधन तय करेगा। माननीय खड़गे साहब है, राहुल जी है, सोनिया जी है, ये तय करेंगे। लखन सिंह जी जुड़ गए आम आदमी पार्टी से, इनके पास बाद में आऊंगा। पहले ओपी यादव जी, एक छोटा सवाल, ये राजस्थान में जो नुकसान हुआ है, 10 सीटों पर पीछे आ गई है बीजेपी, उसको लेकर क्या रणनीति बनाएगी? क्या अब यहाँ की सियासत की तस्वीर बदलेगी? वसुंधरा राजे क्या की भूमिका अब आने वाले भविष्य में क्या रहेगी? क्योंकि तमाम जो मुख्यमंत्री पद से जो हटाए गए, आप कह रहे हैं कि किसी को साइड लाइन नहीं किया गया, खट्टर हैं उनको भी चुनाव लड़ाया गया, उनको भी संगठन में आगे जगह देने की बात की जा रही है, शिवराज सिंह चौहान विदिशा से चुनाव लड़ रहे हैं और अब उनको गृहमंत्री का बनाने तक का तोहफा दिया जा रहा है और पीएम मोदी के साथ अभी नजर आ रहे हैं हर जगह जहां जा रहे हैं वहां पर, तो वसुंधरा राजे का भविष्य क्या होगा और यहां के संगठन को लेकर क्या तस्वीर बदलेगी, क्या संभव? हेलो, देखिए राजस्थान में जो गठबंधन की, लखन सिंह जी आप, ये मैं ओपी यादव जी से पूछ रहा हूँ, आपके पास जल्दी आऊंगा जी। मैं यूँ कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ पे देखो, ये शीर्ष नेतृत्व का निर्णय है, हमारे यहाँ कार्यकर्ताओं का चाहे वो कितने ही बड़े पद पे रहा हुआ हो, यहाँ पे सम्मान होता है, कभी उसका अपमान नहीं होता है, मैं इतना कह सकता हूँ। बाकी शीर्ष नेतृत्व तय करेगा किसको क्या जिम्मेदारी देनी है। जी लखन सिंह जी, आम आदमी पार्टी काफी जो झटके ही झटके मानता हूं मैं तो, क्योंकि एक भी सीट नहीं निकाल पाई दिल्ली से, हालांकि जो जीत का जो डिफरेंस है दिल्ली में काफी कम हो गया, क्योंकि वहां पर जीत के जो अंतर था काफी ज्यादा था पहले 2019 के जो लोकसभा चुनाव परिणामों में, इस बार वो जीत का जो डिफरेंस है उसको काफी हद तक पाट दिया गया, लेकिन उसके बावजूद भी सबसे बड़ी चुनौती है कि जो केजरीवाल ये कहकर गए थे जेल में जब गए थे 2 जून को, कि उससे पहले कि 4 जून के बाद अगर वापस बुलाना है तो इंडिया गठबंधन की सरकार बनानी है, इंडिया गठबंधन की न तो सरकार बनी है और न आम आदमी पार्टी मजबूती के साथ कहीं पर भी नजर आई है। हालांकि 3 सांसद पंजाब में उन आम आदमी पार्टी में आपने जीते हैं, अब आगे की क्या रणनीति रहेगी, केजरीवाल को बाहर निकालने के लिए क्या रणनीति रहेगी, क्या लगता है आपको इंडिया, ये एनडीए गठबंधन की जो नई सरकार का गठन होने जा रहा है उसमें क्या उनको फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी और किस तरह सुप्रीम कोर्ट के सामने आप लोग केजरीवाल को बाहर निकालने के लिए अपनी तरफ से अपनी बात रख पाएंगे? जी देखे, राजस्थान में जो इंडिया गठबंधन के जो हमारे सांसद जी आए, जब बीजेपी ये मान रही थी कि राजस्थान में हम 25 सीटों में जीतेंगे, लेकिन इंडिया गठबंधन ने जो अच्छा प्रदर्शन किया इससे बीजेपी को बड़ा आघात लगा है। अब आम आदमी पार्टी का, आम आदमी पार्टी ने इंडिया गठबंधन के लिए बहुत सैक्रिफाइस किया, बहुत त्याग किया। अरविंद केजरीवाल जी ने देश हित में इंडिया गठबंधन का साथ दिया और अरविंद केजरीवाल जी की भूमिका तो ऐसी है जैसे कि महाभारत हुआ था, महाभारत में कृष्ण की भूमिका थी, कृष्ण को कोई लाभ नहीं था,
ना तो पांडवों से ना कौरवों से, देख कृष्ण ने सत्य का पक्ष लिया, वही अरविंद केजरीवाल जी ने सत्य का साथ देकर इंडिया गठबंधन का साथ दिया है। और का भविष्य इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है दिल्ली में अभी सच्चा है, और केजरीवाल जी जल्दी निकल के आएंगे और आम आदमी पार्टी का परचम इंडिया गठबंधन के बैनर तले फिर फहरेगा और हमारी आम आदमी पार्टी के नेता अभी साइड में ही है, वो बहुत हमारे धर्म नेता है, देश के लिए कुर्बानी करने के लिए तैयार है, और अरविंद केजरीवाल जी की जेल जाने की कुर्बानी है वो देश काम आएगी। जय हिंद। ठीक है ओपी यादव जी, 2025 का जो विधानसभा चुनाव है बिहार का, वो नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा ये कहना है दोनों डिप्टी सीएम है जो बीजेपी के हैं, सम्राट चौधरी विजय सिन्हा का बीजेपी ने दाव खेलना चाहा है, कहीं ना कहीं वो डैमेज कंट्रोल करने की कवायद है, कहीं ना कहीं जो क्योंकि जो डिपार्टमेंट है महत्वपूर्ण मंत्रालय है उनको मांगने की कवायद जारी है, और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन भी कोई बड़ा ऑफर दे सकती है, प्रधानमंत्री उपप्रधानमंत्री तक का ऑफर दे सकती है, बैलेंस करने के लिए बीजेपी ने ये दाव खेला है निश्चित तौर पर, ये दाव खेला है। आप किस तरह लेंगे तो इसको, ये भी आरोप लगाया कि चोर दरवाजे आरजेडी आना चाहता है, क्या आपको डर है, आपको किसी तरीके का नीतीश कुमार पलटी मार सकते हैं, इंडिया गठबंधन जा सकते हैं, इंडिया गठबंधन जा सकते हैं, क्योंकि इस ये बयान तो यही दर्शाता है। देखिए जो नायडू लखन सिंह जी मेरा सवाल ओपी यादव जी से, अच्छा अच्छा ठीक है, आरजेडी को जनता ने नकार दिया, अभी 40 में से 3 ही तो दिए, आरजेडी के बचा कहा है, बचे कहा है आरजेडी वहां पे, 40 में से 3 सांसद, बड़े शर्म की बात है, तो आरजेडी का तो अस्तित्व खत्म है, बनेंगे तो वहां पे नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री, हमने तो पहले ही तय कर रखा है। अच्छा रणनीति बदली नहीं है, मतलब पहले से ही तय थी आपकी रणनीति कि 2025 का विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा, लेकिन सवाल विपक्ष तो ये सवाल कर रहा है कि दो डिप्टी सीएम इसलिए बनाए गए थे ताकि जड़ों को नीतीश कुमार की जड़ें कमजोर कर दी जाए और अगला जो मुख्यमंत्री है बिहार में जो भारतीय जनता पार्टी का बने, शुरुआत जो हुई थी जो नई गठन की उस दौरान इस तरह की बातें चली थी और एक बार फिर से इस तरह की बात ये दोनों नेताओं के बयानों के बाद शुरू हो चुकी है। ऐसा विजय जी ऐसा ध्यान में पार्टी रख करके कभी नहीं करती है, डिप्टी सीएम तभी बनाए जाते हैं जब हम उनको अनुभवी बनाते हैं, आज कभी ना कभी, आज नहीं तो कल, अगले का नंबर तो आएगा ना किसी कार्यकर्ता का, तो वो तैयार करने की एक रणनीति होती है, डिप्टी सीएम बनकर के कुछ सीखे, वहां पे राज्य के बारे में जाने, वहां की भौगोलिक परिस्थितियों को पहचाने, तो ये अब नीतीश कुमार जी अब की बार मुख्यमंत्री रह लेंगे, उसके बाद में कोई हमेशा के लिए थोड़ी ना रहेंगे, बिना कभी ना तो किसी ये सिर्फ आपकी बिहार में लागू होता है या और देश के अन्य स्टेट में भी लागू होता है, या राजस्थान में पर्ची की सरकार बनी है, ये तो क्या बोलते हैं, पार्षद भी जीते कभी, पहले बार एमएलए जीत के आए और उनको मुख्यमंत्री बना दिया आपने, और वो बिहार की बात कर रहे हैं कि डिप्टी सीएम किसने बनाया कि वो अनुभवी हो जाएंगे, ये आपने भारतीय जनता पार्टी में दिए क्या भैया, कार्यकर्ता को दरी बिछाने के लिए रखा है क्या आपने, उसको आगे आओ, नहीं 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 आप एक बात पे देखो यादव साहब, एक बात पे आप चल रहे हैं, आप एक मिनट आप सुनिए, आप अभी कह रहे थे कि बिहार में दो डिप्टी सीएम इसलिए बनाए हैं कि नीतीश जी के बाद में बाकी बागडोर वो संभालेंगे, आपका कहना है, लेकिन यहाँ पर राजस्थान के अंदर भजन लाल जी को मुख्यमंत्री बनाया जो कभी पार्षद नहीं लड़े, और एक बार सरपंच का सुना है कि सरपंच का चुनाव लड़ा था उन्होंने, वो हार गए, पहले बार वो सांगानेर से चुनाव लड़े यहाँ जयपुर से और जीत के आए और मुख्यमंत्री बना दिया, तो इनके पास कौन सा अनुभव था। देखिए ये परंपरा आपके दल में हो सकती है, हमारे दल में नहीं है, हमने तो भैया आगे का प्रयोग किया, अरे आप दो बात क्यों करते हैं, एक बात में किया, मध्य प्रदेश में किया,
छत्तीसगढ़ में किया, आपके हरियाणा में किया। और अब ये आप कह रहे हैं बिहार की बात कर रहे हैं कि बिहार में हमने दो डिप्टी सीएम इसलिए बनाए कि उनको अनुभव रहेगा, आने वाले टाइम पे वो मुख्यमंत्री बनेंगे, तो सिर्फ बिहार के लिए है क्या? और इससे के लिए नहीं है, हमारे लिए केवल राजस्थान ही नहीं है, हमारे लिए पूरे देश के सभी राज्य है, उनके अंदर ऐसे ही कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बनते रहेंगे। अच्छा भवानी शंकर जी, आपसे सवाल, ये आपका जो है ना दोहरा चरित्र है, आप जिस हिसाब से आपको तो सत्ता चाहिए, ऐसी भी सत्ता मिल जाए हम सत्ता पे काबिज हो जाए किसी भी तरीके से। आपके हमारे नेता तो जनादेश का सलाम करते हैं, जनादेश को जनता के जनादेश का आदर करते हैं। आपके नेता बनना नहीं चाहते क्या? आज करी कल मीटिंग हुई तो थी, नहीं आपकी तरह तोड़फोड़ की राजनीति नहीं करते। नीतीश जी को तोड़ दिया, उधर से नीतीश जी को तोड़ के आपने सरकार बना ली, आपने बिहार के अलावा महाराष्ट्र के अंदर सरकार बना ली, एमपी में सरकार बना ली, हमारे राजस्थान में तो क्या किया, बहुत अनुभव थे राजस्थान में तो अशोक गहलोत जी बहुत अनुभव थे, उनकी दाल मिलने दी, ऐसे चरित्र नहीं चलते। भवानी शंकर जी, अब आपके सामने भी चुनौती है क्योंकि सरकार तो आपकी बनी नहीं, 8 सांसद तो आपके खुद के और 3 गठबंधन के साथ के 11 सांसद हैं, इनको किस तरह संभाल कर रखेंगे बड़ी चुनौती है, जनता की अपेक्षाओं पर किस तरह खरे उतरेंगे और क्षेत्र की मांगों को किस तरह पूरा कर पाएंगे, क्योंकि सरकार तो एनडीए बना रही है, आप कह रहे हैं एनडीए तो सुनता ही नहीं है, जो मोदी सरकार तो सुनती नहीं, इस तरह के आक्षेप आप की तरफ से लगते रहे। जी, अभी मैंने पहले कहा कि आप इस बात के टेंशन मत करिए, जेपी जी जवाब, अभी मैंने सबसे पहले आपसे कहा था कि जनता ने, हिंदुस्तान की जनता ने अहंकार के खिलाफ वोट दिया, अब इनका नहीं चलेगा, अहंकार नहीं चलेगा। जो पंजाब के किसान दिल्ली के अंदर 750 किसान शहीद हुए, ऐसा नहीं होगा, अब इनको जन भावनाओं के अनुरूप चलना पड़ेगा। और कांग्रेस पार्टी या हमारा अलायंस चाहे इंडिया का जो भी घटक है, हमारे सब मिलके जनहित के अंदर मुद्दे उठाएंगे, चाहे राजस्थान हो चाहे कोई सा भी स्टेट हो, और केंद्र सरकार के खिलाफ जो जन भावनाएं हैं, जन भावनाओं के खिलाफ हमेशा कांग्रेस पार्टी लड़ती आई है और आगे भी लड़ेगी। लखन सिंह जी, आम आदमी पार्टी का क्या स्टैंड रहेगा? आप 7 में से 4 सीटों पर चुनाव लड़ा था दिल्ली में, उसके अलावा पंजाब में तो 3 सीटें जीती थी, लेकिन यहाँ पर आपको नुकसान हुआ है दिल्ली में, दिल्ली का विधानसभा चुनाव को लेकर क्या लग रहा है? अब आपको कुछ डर है कि विधानसभा चुनाव में नुकसान हो जाएगा या पहले जैसा प्रदर्शन दोहराएंगे, और आगे एक्सप्लेन प्लान क्या है आपकी पार्टी का? देखिए मैं जो है पूरे देश की बात कर रहा हूँ, ये 9 तारीख को शपथ ग्रहण की बात कर रहे हैं, अरे 9 तारीख तो बहुत दूर है, 9 मिनट में सारा पासा पलट जाता है। जब इंतजमस जो है दिल्ली में चढ़ाई करने गया था तो ये कहा था अभिनष्टे दिल्ली दूर नहीं, अभी जो है इंडिया गठबंधन पीछे से बहुत बड़ा इंडिया गठबंधन हमारा, ये तुम्हारे चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार जो इन्होंने जो सत्ता रखी है, ये बीजेपी सत्ता पूरी नहीं करेगी, ना होम डिपार्टमेंट देगी, ना विदेश देगी, ना फाइनेंस देगी, ये सत्ता इसलिए है जिससे कि एनडीए से हमारा पाला छूट जाए और ये लोग इंडिया गठबंधन में शामिल होंगे। लखन सिंह जी संपर्क शायद टूट गया, राजस्थान में अभी सरकार भजनलाल सरकार चेंज होने वाली है, जो भजनलाल सरकार 25 सरकार है पहले, और मैं भी दावा कर रहा हूँ कि मोदी नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनेगा, बीजेपी में इसका विरोध है। इतना बड़ा दावा कर दिया बीजेपी ओपी यादव जी कर रहे हैं, तो भाई मेरा निवेदन ये है 9 तारीख आने दो,
अरे खेला हुआ जाता है, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी 100% बनेगी, 100% बनेगी। आम आदमी पार्टी की भूमिका एक कृषि की भूमिका में है जो कि धर्म चक्र के साथ है। धन्यवाद। ओपी यादव जी, दावा कर किया जा रहा है लखन सिंह जी की। विजय जी, आपने अभी कांग्रेस प्रवक्ता से पूछा कि आपके 11 सांसद आए हैं, ये 11 सांसद कैसे काम करेंगे, तो मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी पूरे 25 की 25 लोकसभा में बराबर समानता के साथ हम विकास करेगी। अब मैंने रिप्लाई सुन लिया था आपका बीच में। नहीं, आप सीकर में हम ईआरसीपी को रोक देंगे क्या? जो ईआरसीपी सीकर में आ रही है, झुंझुनू में आ रही है, भरतपुर में जा रही है, उसको हम रोक देंगे? हम द्वेषता की राजनीति नहीं करते। अरे रोकेंगे नहीं प्रवक्ता जी, ईआरसीपी तो ईआरसीपी का काम तो 2 साल पहले से हमारी सरकार कर रही है। हम तो मांग कर रहे थे, राष्ट्रीय परियोजना की मांग कर रहे थे। मेरी बात सुन रहे, आप समझदारी से डिबेट कर रहे हो, इसलिए मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ। अब ये आम आदमी पार्टी वाले पता नहीं क्या बोले। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में तो समझदारी रहती है, कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है उनमें तो समझदारी रहती है। अब आप बोल लिए, मैं ये कह रहा हूँ विजय जी, इनके जो कैंडिडेट जीते, कोई 14,000 से जीता है, कोई 50,000 से जीता है, कोई 40,000 से जीता है, तो मैंडेट तो बराबर का ही दिया है बीजेपी को जनता ने, जनता का क्या दोष है? इसलिए जनता को उसमें हम भागीदार नहीं बनेंगे, हम बराबर समान रूप से विकास करेंगे, ये हमारा वादा है। अब साथ में लखन सिंह जी के जो सवाल थे, उन लखन सिंह जी की बात है उसका जवाब। बोल क्या रहे, इनका समझ में नहीं आ रहा, इनकी इक्को आ रही है। इनका दावा है कि इंडिया गठबंधन नहीं बनाएगा सरकार, एनडीए सरकार नहीं बना रहा, 9 जून काफी दूर है, क्या संभावना है? अब मैं क्या जवाब दूं, जरा बताओ, जरा मुझे ये बताओ। पंजाब में ये कह रहे थे हम सारी सीटें जीतेंगे, 3 जीत के आए। दिल्ली में कह रहे थे हम चारों के चारों जीतेंगे, एक भी 0 के ऊपर रहे, इनका रिजल्ट ही 0 है, तो इनसे क्या बात करो? इसने तो आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस का स्पेस लिया था विजय जी। 2012 में मैं अन्ना हजारे के आंदोलन से मैं भी निकला हुआ हूँ। अन्ना हजारे के आंदोलन में हमने जयपुर में स्टैच्यू सर्किल पे खूब धरना प्रदर्शन किया था। अन्ना हजारे के साथ हम दिल्ली में आंदोलन में शामिल हुए थे। अरविंद केजरीवाल हमारे बगल में बैठता था, कहीं दूर नहीं बैठता था। अरविंद केजरीवाल को मैं जानता हूँ किस नीति का व्यक्ति है। हम उससे मिले थे जाकर के, हमको राजस्थान की जिम्मेदारी दो, जिसने पैसा दिया उसको जिम्मेदारी दी। ये 2012 की बात बता रहा हूँ और मैं फोटो दिखा दूंगा इनके साथ में हमारी। ये क्या बात करेंगे आम आदमी पार्टी वाले? ये चतुर बेईमान है। एक चतुर बेईमान होता है ना, जो पढ़ा लिखा बेईमान, एक तो होता है अनपढ़ बेईमान, मतलब ऐसा ही कुछ आरोप, ऐसा ही कुछ आरोप नरेंद्र मोदी ने भी एक पत्रकार से वार्ता के दौरान केजरीवाल पे लगाया था। मैं आपको साक्ष्य दिखा दूंगा। मैं अन्ना हजारे से निकला हुआ हूँ, वहीं से मैंने नेतागिरी शुरू करी है। हम इसके पास राजस्थान की बागडोर संभालने के लिए गए थे, मैं और नरेंद्र दादीज और एक अपने नंदू अग्रवाल, ये 5-7 जने हम लोग गए थे। 5-7 दिन इन्होंने हमको उपयोग में लिया कि आप काम करिए राजस्थान के अंदर, हम आपको कोई ना कोई दायित्व देंगे। और इन्होंने इन चोरों ने जिन्होंने पैसा दिया उनको जिम्मेदारी दे दी राजस्थान। क्या बात करेंगे? चलिए जवाब दीजिए लखन सिंह जी जल्दी से, फिर आपकी अगर हिम्मत है तो डिबेट के बाद ओपी यादव जी मैं आपकी बात का सम्मान करता हूँ। लेकिन बात इतनी सी है, आप ये कह रहे हैं कि अंजार हजारे के आंदोलन में आप जो है अरविंद केजरीवाल के साथ थे, तब जो है आप साथ थे, तो ऐसे 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 जो है कई साथी थे जो बीजेपी में चले गए, आप भी चले गए ना। अब सवाल ये आता है कि जो है बीजेपी में आज ऐसी स्थिति है, अगर बहन मायावती 26 सीटों पर वोट कटवा यूपी में नहीं बनती, मायावती बीएसपी पार्टी यूपी में 26 सीटों पर वोट कटवा पार्टी नहीं बनती, आज 26 सीट है इंडिया गठबंधन की बढ़ते, और आप लोग मुंह दिखाने लायक नहीं होते, आप लोग मुंह दिखाने लायक नहीं होते। इंडिया गठबंधन का पूर्ण बहुमत होता, मायावती ने धोखा किया है इंडिया गठबंधन के साथ। मैं आपको बता देता हूँ,
फिर भी इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। मोदी को तो कोई आपके बीजेपी पसंद नहीं करती है, आरएसएस पसंद नहीं करती है, हिंदुस्तान की जनता पसंद नहीं करती है। छोटे आदमी को इस हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री की गद्दी में बैठने का कोई हक नहीं है, कोई हक नहीं है, कोई हक नहीं है। ओपी यादव जी, शॉर्ट में आप कुछ कहना चाहें तो बताइए, जवाब दीजिए। नहीं, मैं तो यही कहूंगा विजय जी कि इस देश के विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी कृत संकल्प है, और जो भारतीय जनता पार्टी विजन लेकर के चली है उस विजन को आगे बढ़ाने का काम करेगी। 2047 तक विकसित भारत का सपना पूरा करके रहेगी, 2028 तक आर्थिक रूप से हम तीसरे पायदान पर पे आकर के रहेंगे, ऐसा मेरा इस वर्ष में भरोसा है, मेरी पार्टी के संगठन में भरोसा है, मेरे मोदी आदरणीय प्रधानमंत्री में भरोसा है। चलिए, आक्षेप प्रत्यारोप, आरोप प्रत्यारोप के दौर जारी रहेंगे ऐसे ही, और तमाम जो राजनीतिक संगठनों में इस तरह की जो चीजें चलती रहती है। लेकिन जहां तक लोकतंत्र की और देश की बात की जाए तो देश के लोकतंत्र की जो खूबसूरती है पूरा विश्व मानता है। देश का जनादेश है जिसको सर माथे पर रखकर अब देश के लिए काम करने की जरूरत है। नई सरकार का गठन भी हो जाएगा, जो भी सरकार बने, जो भी मंत्रिमंडल के नए सदस्य हों, अब देश के हर नागरिक को, हर जाति वर्ग संगठन सभी को साथ लेकर चलने की, सभी के हितों को साथ लेकर चलने की जरूरत है। फिलहाल सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। भवानी शंकर माली जी हमारे साथ जुड़े थे कांग्रेस से, ओपी यादव जी भाजपा से जुड़े हैं, लाखन सिंह जी आम आदमी पार्टी जुड़े हैं। फिलहाल के दीजिए इजाजत, नमस्कार।